छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले पलक और सूर्यांश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। नेपाल के काठमांडू में आयोजित रोप स्किपिंग प्रतियोगिता 2021 में पलक और सूर्यांश ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में पलक और सूर्यांश ने दूसरे देशों के खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए रोप स्किपिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। पलक और सूर्यांश छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में वित्तीय कंट्रोलर के रूप में पदस्थ रामकिशन के बेटा बेटी हैं। पलक और सूर्यांश ने कहा कि छात्रों का पढ़ाई के साथ साथ खेल में रुचि रखना बहुत आवश्यक है। हम सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं खेल में भी अपने देश का नाम गौरवान्वित कर अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। विजेताओं ने अपनी उपलब्धि और जीत का श्रेय कोच फलक नाज को दिया है। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे फ्रेंड्स लोग ये खेला करते थे भोपाल में, तो उन्हीं से देखकर मैंने ये चीज़ देखा कि बहुत अच्छा गेम है और मज़ा आता है उसको करने में, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। इससे पहले मैं शिरडी के नेशनल्स में गई थी, RSFI नेशनल्स हुए थे, उसमें भी मुझे एक ब्रॉन्ज और एक गोल्ड मेडल प्राप्त हुए थे। और उससे पहले भुवनेश्वर में भी एक नेशनल्स हुआ था, उसमें मैं गई थी। मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, और दोनों में ही अगर आप एक्सेल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जी, मेरा दो इवेंट थे, एक डबल डच था और एक स्पीड स्प्रिंट था। उसमें मेरा प्लस पॉइंट ये था कि दोनों इवेंट्स में मेरे एक भी फॉल्ट नहीं हुए थे, तो इस हिसाब से मेरा ये प्लस पॉइंट था और दोनों में मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुए। ये प्रेरणा मुझे मेरी दीदी से मिली, वो स्कूल में खेलती थी, उनको देख के मैंने ये गेम स्टार्ट किया और अभी मैं नेपाल में हुए साउथ एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे मुझे दो गोल्ड मेडल मिले थे। जी, इसके पहले मैंने शेडी पे नेशनल खेला था RSFI, उसमें मुझे एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतना ही खेल इम्पोर्टेंट है, दोनों में ही आपकी रुचि होनी चाहिए और जो खेल है उसको भी आप